एच सी वर्मा साउंड वेव का न्यूमेरिकल 59। अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी मेक्स 5 बीट्स पर सेकेंड विद अनदर ट्यूनिंग फोर्क which can cause a closed organ pipe of length 40 centimeter to vibrate in its fundamental mode. The beat frequency decreases when the first tuning fork is slightly loaded with wax. Find the original frequency. The speed of the sound in air is 320 meter per second. तो ये 59 न्यूमेरिकल जो होगा इसमें एक ट्यूनिंग फोर्क दिया है जिसकी फ्रीक्वेंसी हम मान लेते हैं कि μ1 होगी। तो ये जो ट्यूनिंग फोर्क है μ1 फ्रीक्वेंसी वाला और दूसरा ट्यूनिंग फोर्क के साथ जिसकी फ्रीक्वेंसी हम μ2 मान लेते हैं तो उसके साथ वो उस 5 बीट्स पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो लेकिन कौन सा ट्यूनिंग फोर्क? इस तरह का ट्यूनिंग फोर्क कि जो एक क्लोज्ड पाइप के साथ अगर रेजोनेट होगा तो यहाँ पे जो एयर कॉलम होगा उसे फर्स्ट फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन में उसे रेजोनेट करेगा, मतलब ये फर्स्ट फंडामेंटल मोड से ये एयर ऑफ कॉलम वाइब्रेट हो रहा है। तो वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? v/4l। तो अब क्या करने वाले, पहला जो ओरिजिनल ये जो ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी μ1 कही थी हमने, वहाँ पे यहाँ पे वैक्स लगाया तो लास्ट न्यूमेरिकल में हमने देखा था कि उसकी फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। तो आफ्टर लोडिंग वैक्स क्या हो रहा है, दोनों के बीच में जो बीट्स होंगे वो लेस देन 5 है, 5 से कम ऑफ बीट्स पर सेकेंड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है और वेलोसिटी ऑफ द साउंड दिया हुआ है। हमें कहा है कि ये μ1 कितनी होगी ये फाइंड करो। तो पहली केस यहाँ पे बिफोर लोडिंग क्या हो रहा था, ये दोनों का डिफरेंस हमने लिखा कि ये कितना आया, μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 5। और μ2 दोनों की वैल्यू नहीं दी, लेकिन μ2 की वैल्यू अलग तरीके से दी गई कि ये ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो ये उससे रेजोनेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी इसकी होगी। और यहाँ की फ्रीक्वेंसी हम फाइंड कर सकते हैं, फंडामेंटल मोड है तो फंडामेंटल मोड में कितनी फ्रीक्वेंसी आएगी, तो μ0 जिसे हमने μ2 कहा है v/4l और v की वैल्यू दी है, l की वैल्यू दी है। तो हम यहाँ पे μ0 जिसे हमने कहा है ये होगी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी फॉर दिस पाइप, लेकिन इसे ये होगी इक्वल टू μ2 जो कि ये ट्यूनिंग फोर्क है और वो कितना है v/4l। तो ये μ2 कितनी आ जाएगी, तो v की वैल्यू दी है 320 डिवाइडेड बाय 4 और l की वैल्यू दी है 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 × 10⁻⁻² मीटर। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी मिलेगी हमें, तो ये 32 और ये 2 0 ऊपर चले जाएंगे क्योंकि 10⁻² है तो ऊपर चले जाएगा तो 10⁻+2 बनेगा, तो ये 2 0 ऐड हो गया और ये 4 × 40 का ये 0 यहाँ पे चलेगा और 4 × 4 = 16 तो ये 16 × 2 = 32 और ये 2 0, मतलब ये दूसरा ट्यूनिंग फोर्क जो है उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही 20 हर्ट्स। तो ये जो हमें कंडीशन दी है यहाँ पे μ1 माइनस μ2 ये 5 आना चाहिए। तो इसके दो केसेस बनेंगे, एक तो क्योंकि कौन सा बड़ा है ये हमें पता नहीं, दोनों का डिफरेंस सिर्फ 5 होना चाहिए। तो क्या हो सकती है, एक तो μ1 माइनस μ2 मतलब ये 200 इज इक्वल टू 5 हो सकता है और ये 200 माइनस μ1 इज इक्वल टू 5 हो सकता है। अगर ये केस है तो μ1 बनेगा, ये केस है तो μ1 बनेगा 205 और ये केस है तो ये बनेगा 195 हर्ट्स। तो दोनों में से एक फ्रीक्वेंसी होगी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ये तो ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी या ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ये हमें फाइंड करनी है। और इसके लिए हमें हेल्प लेनी है कि अगर इसे वैक्स किया जाएगा तो दोनों की फ्रीक्वेंसी 5 से कम आनी चाहिए। तो कब आएगी, तो अगर इसे वैक्स किया, सपोज ये वैक्स करने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम आने वाली है, मतलब अब ये सपोज 195, तो ये 195। अब वैक्स करने के बाद जैसे हमने पहले भी देखा कि फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी होती है ये क्या होती है v/4l, मतलब ये 1/4l और ये मतलब क्या होता है अंडर रूट t/μ और म्यू क्या होता है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। तो ये फ्रीक्वेंसी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। मतलब अगर मास बढ़ा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो इसलिए ये जो फ्रीक्वेंसी सिर्फ वैक्स करने के बाद ये जो फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी कम होगी। फ्रीक्वेंसी कम होगी तो हमें कहा क्वेश्चन में ही कि वैक्स लगाने के बाद ये दोनों के बीच में जो बीट्स आएंगे वो डिक्रीज हो रहे, मतलब 5 से कम आएंगे। सपोज ये 195 कम कर दिया, 194 ले लिया, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? सपोज ये 194 माइनस 200, मतलब ये 200 माइनस μ1, तो 200 माइनस μ1 कर दिया और μ1 की वैल्यू 195 से कम लेनी है तो 194 ले लिया, तो डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 6। मतलब ये तो नहीं होगा, 193 लेते तो कितना आएगा 7। तो जितना कम करोगे उतना दोनों का डिफरेंस यहाँ पे बढ़ता ही जाएगा। ये कंडीशन ऐसी कभी नहीं आएगी कि जहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 है, मतलब ये नहीं यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब ये फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, लेकिन इसे भी चेक करके देखते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी μ1, ये क्या लिखा था हमने μ1 माइनस 200 इज इक्वल टू 5 तो ये μ1 200 लेते हैं, 205 अगर इसे कम करना है तो 204 लेके देखते हैं तो ये कितना आ रहा है, तो ये 4 आ रहा है। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सपोज ये 203 है तो माइनस 200 तो ये 3 आ रहा है, मतलब लेस देन 5 आ रहा है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे जब हम μ1 की वैल्यू 205 लेते हैं तब। मतलब ये फ्रीक्वेंसी कितनी आनी चाहिए 205 हर्ट्स, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए।